नमस्कार, द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की खास खबरों में पिथौरागढ़ के रामला मैदान में आयोजित बाल मेले में लोहाघाट व स्थानीय कलाकारों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शानदार प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रमों का शुभारंभ पालिका अध्यक्ष राजेन्द्र रावत द्वारा किया गया। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ, जिसके अंतर्गत व्यंजन प्रतियोगिता में जीजीआईसी की पूनम कोरंगा ने पहला, इसी विद्यालय की चांदनी चिलकोटिया ने दूसरा, डॉन बॉस्को स्कूल के जतिन पांडे और जीजीआईसी की अंकिता भंडारी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। मेहंदी प्रतियोगिता में ताइबा ने पहला, ममता ने दूसरा, गुंजन और नेहा ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता के सब जूनियर वर्ग में मन्नत परिहार ने पहला, तनिष्क गणकोटी ने दूसरा, भाविका भट्ट और सेजल बोरा ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। जूनियर वर्ग में हिमानी जोशी प्रथम, काव्या धर्मोड़ा दूसरे, पावनी लुंठी व सोनिया पांडे ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। देवांश भट्ट को सांत्वना पुरस्कार दिया गया। सीनियर वर्ग में दक्ष मखौलिया ने पहला, अक्षिता बोनाल ने दूसरा, रक्षा मेहता ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। तनुजा बिष्ट को सांत्वना पुरस्कार दिया गया। इस अवसर पर सहकारी बैंक अध्यक्ष मनोज सामंत, भाजपा नेता इंद्र लुंठी, नगर पालिका के वार्ड सभासद, उप मेलाधिकारी रंगावल्लभ पांडे सहित अन्य लोग उपस्थित थे। संचालन ललित सौर्य और कैप्टन दीवान सिंह बोलतिया द्वारा किया गया। सीमांत जनपद के अंतिम छोर पर निवासरत व्यक्तियों को सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने एवं उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान के तहत आज रामला मैदान में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ बतौर मुख्य अतिथि सांसद अजय टमटा द्वारा किया गया। इसके उपरांत विकसित भारत संकल्प यात्रा के प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। कार्यक्रम के दौरान जनपद के विकास को लेकर कुल 22.56 करोड़ रुपए की धनराशि से 8 कार्यों व योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम में ऑनलाइन माध्यम से जुड़े देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे लाभार्थियों एवं जनप्रतिनिधियों से कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके, इसके लिए डबल इंजन की सरकार प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर पालिका अध्यक्ष राजेन्द्र रावत, जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष मनोज सामंत, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भाजपा राकेश देवलाल, जिलाधिकारी रीना जोशी, मुख्य विकास अधिकारी नंदन कुमार, एसटीएम सदर अनिल कुमार शुक्ला, पीडी डीआरडी आशीष पुनेटा, डीडीओ रमा गोस्वामी सहित अन्य लोग उपस्थित थे। संचालन डिप्टी सीवीओ डॉक्टर पंकज जोशी द्वारा किया गया। इधर विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के तहत विकासखंड कार्यालय बेरीनाग में स्थानीय विधायक फकीर राम टमटा की उपस्थिति में आयोजित हुए कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों ने शिरकत की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवाद को सुना। इस मौके पर विधायक फकीर राम टमटा और ब्लॉक प्रमुख विनीता वाफला ने भारत संकल्प यात्रा के तहत प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा विकासखंड बेरीनाग और गंगुलीहाट के हर ग्राम पंचायत में जाएगी। इस अवसर पर स्थानीय विधायक फकीर राम टमटा ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो विकसित भारत यात्रा जो शुरुआत की है, ये यात्रा हमारे इस देश के अंतिम पंक्ति में बैठा हुए व्यक्ति के विकास के लिए यात्रा चलाई गई है। ये गांव-गांव जाएगी यात्रा और पूरे भारतवर्ष में यात्रा चली है और हमारे जितने भी जो गरीब पिथौरागढ़ के कनाली सीना में पुलिस ने एक व्यक्ति को नेपाल की खुकरी सिगरेट के साथ गिरफ्तार किया है। पिथौरागढ़ पुलिस मीडिया सेल से मिली जानकारी के अनुसार सीमा पर तस्करी रोकने के लिए पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत कनाली सीना पुलिस को मुखबिर के माध्यम से अवैध विदेशी सिगरेट तस्करी की सूचना मिलने पर ASI प्रेम सिंह खुलिया के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा गोवर्षा तिराहे के निकट चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान इंद्र सिंह निवासी बचकोट से अवैध नेपाली खुकरी सिगरेट के 440 डब्बे बरामद कर व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्रवाई के लिए बरामद सिगरेट पर व्यक्ति को कस्टम विभाग के सुपुर्द किया गया। अल्मोड़ा SSP RC राजगुरु के आदेशानुसार नशे की रोकथाम को लेकर पुलिस द्वारा चलाया जा रहा अभियान लगातार जारी है, जिसके तहत थानाध्यक्ष सल्ट अजेंद्र प्रसाद की अगुवाई में पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान गौली खाल जाने वाले रोड में कुपी तिराहे पर एक कार स्विफ्ट डिजायर को रोका गया तो वाहन में एक व्यक्ति भूपेश सवार था। कार की तलाशी लेने पर पिछली सीट में रखे एक प्लास्टिक के कट्टे में 18.400 किलोग्राम गांजे के साथ आरोपी भूपेश उम्र 28 वर्ष निवासी नई बस्ती नया लालडांग रामनगर नैनीताल को गिरफ्तार कर आरोपी के खिलाफ NDPS
एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया। थानाध्यक्ष सल्ट अजेंद्र प्रसाद ने बताया कि आरोपी गांजे को गांव से एकत्र कर रामनगर की ओर ले जा रहा था। बरामद गांजे की कीमत लगभग 2 लाख से अधिक आंकी गई है। हल्द्वानी से बागेश्वर को जा रही एक कार अचानक अनियंत्रित होकर अन्य वाहनों से टकराते हुए अंत में सड़क किनारे खड़े डिवाइडर से टकराकर रुक गई, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। यदि डिवाइडर नहीं होता तो कार गहरी खाई में गिर जाती। मिली जानकारी के अनुसार हल्द्वानी से बागेश्वर को जा रही एक कार नैनी पुल के पास अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े अन्य वाहनों से जा टकराई। जबरदस्त टक्कर में कार व अन्य वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। कार हल्द्वानी निवासी गौरव जोशी चला रहे थे। टक्कर के दौरान कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और वाहन स्वामी को खासा नुकसान बताया जा रहा है। टक्कर में पिकअप व मैक्स वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। गनीमत रही कि जहां दुर्घटना हुई वहां सड़क किनारे एक डिवाइडर था, जिस कारण कार डिवाइडर से टकरा गई और खाई में गिरने से बच गई, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। साफ्ट की खिड़की को तोड़कर घर के अंदर से जेवरात तथा नकदी डॉलर चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। चोरी की घटना को अंजाम देने वाला पूर्व में ड्राइवर निकला। देहरादून पुलिस मीडिया सेल से मिली जानकारी के अनुसार बीते 3 दिवस पूर्व आशुतोष जोशी निवासी पैसिफिक गोल्ड स्टेट राजपुर देहरादून ने एक लिखित तहरीर देकर बताया कि 26 नवंबर को दोपहर के समय वह अपनी पत्नी एवं पुत्र के साथ दवा लेने के लिए बाहर गए थे। जब वापस आए तो देखा कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा साफ्ट की खिड़की को तोड़कर घर के अंदर से जेवरात तथा नकदी डॉलर चोरी कर लिए गए हैं। तहरीर के आधार पर थाना राजपुर पर IPC की धारा 380 454 में अज्ञात के खिलाफ मामला पंजीकृत किया गया। चोरी की घटना के खुलासे को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा थानाध्यक्ष राजपुर को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए पुलिस टीम का गठन किया गया। टीम द्वारा घटनास्थल के आसपास के कुल 20 CCTV कैमरों को चेक करते हुए पूर्व में व्यक्ति के घर पर काम करने वाले कर्मचारियों का सत्यापन किया गया। CCTV के अवलोकन से एक व्यक्ति के कमरे के अंदर आने तथा घटना के बाद जाने का फुटेज प्राप्त हुआ, जिस पर मुखबिर की सूचना पर ऑर्चिड पार्क जाने वाले रास्ते में घटना में संलिप्त आरोपी संतोष थापा उम्र 34 वर्ष निवासी वीर गब्बर सिंह बस्ती देहरादून को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी का सामान बरामद किया गया। सबका वेरिफिकेशन किया गया तो उस संबंध में एक संदिग्ध के बारे में जानकारी प्राप्त हुई और जिसको कि जो है जो वहाँ की फुटेज थी उससे भी वेरीफाई किया गया। तो ये जो अभियुक्त है उसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई कि ये पहले वादी के घर में काम करता था, ड्राइवर का काम करता था और उसके पश्चात कुछ समय पूर्व उसके द्वारा जो है ये नौकरी छोड़ दी गई थी। और उसके बाद जब 26 तारीख को से पता चला कि वादी अपने घर से बाहर गए हुए हैं तो उसके द्वारा इसके घर में घुस करके चोरी की घटना को कारित किया गया। जो हमारी टीम है उसके द्वारा जो अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है और चोरी में जो सामान चोरी किया गया था जिसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए है, जिसमें ज्वेलरी है और कुछ फॉरेन करेंसीज भी है, इसको पूरी बरामदगी जो है अभियुक्त से की गई है। उत्तराखंड की मुख्य खबरों के लिए कृपया हमारे द उत्तराखंड न्यूज चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। साथ ही खबरों की विस्तृत जानकारी के लिए हमारे द उत्तराखंड न्यूज पोर्टल से भी जुड़े रहें। धन्यवाद।